टेक, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी फिग्मा की क्लास नंबर 11 है। तो इस क्लास में हम जो है वो क्रीम वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करेंगे। सबसे पहले हम उसका फुटर तैयार करेंगे। तो ये मैंने ने फिग्मा की वेबसाइट ओपन कर ली है। उसके बाद मैं यहाँ से जाके न्यू डिज़ाइन उठाता हूँ। तो ये ओपन हो गया। फिर मैं यहाँ से जाके फ्रेम उठाता हूँ। फ्रेम में डेस्कटॉप का उठाता हूँ क्योंकि ये डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट है। तो ये मैंने उठा लिया। इसकी विथ हाइट वगैरह इधर ही है, वो हम बाद में, विथ तो इसकी बिल्कुल ठीक है, जो इसकी हाइट है वो इसमें बाद में आपके पता करूँगा। चलो ये वेबसाइट बहुत लंबी हो जाएगी तो ये मैं कर देता हूँ 4000 कर देता हूँ इसकी हाइट। अब लंबी है, अगर कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा तो वो हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आप जो है ना आइकन्स वगैरह, अगर खुद तो वो सिर्फ थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि आपको पता चल जाए कि जो आइकन नहीं मिल रहे वो आप अगर खुद से तैयार करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लगिंग होता है। तो यहाँ फाइल में जाके ये है प्लगिंग्स, इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जाते हैं मैनेज। तो ये हमारा जो पहला वाला प्लगिंग है आइकन फी, तो इसको यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ से, तो अभी मैं दोबारा आपको कर, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद ये आइकन फी में जाते हैं। तो ये आपका इंटरनेट के साथ चलेगा, आपका नेट जितना तेज़ होगा ये उतना ही चलेगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ मेन्यू का आइकन, तो ये हमारी मेन्यू के आइकन्स वगैरह आ गए। जो भी कोई आया वो इधर ही हमें आइकन्स मिल जाते हैं। लोकेशन का करना हो तो वो भी मिल जाते हैं, हर तरह से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो है तस्वीर, तो इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और स्क्रीनशॉट फिर मैं उधर पेस्ट कर देता हूँ और वैसे वैसे देख के हम बना लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन होता है जो होता है PRT, पार्ट स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन, ये होता है PRT स्क्रीन जो लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, ये स्क्रीनशॉट हो गया है। अब मैं यहाँ जाके कंट्रोल भी करता हूँ तो वो स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया। तो इसको मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ कर दूँ ताकि ये ज़्यादा कम ना हो, और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप कर देता हूँ। ये मैंने क्रॉप कर दिया, नीचे से भी मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ, ये मैंने क्रॉप कर दिया, तो ये साइड से भी थोड़ा सा क्रॉप करना है इसको। ये आ गया, अब ठीक आ रहा है। तो इसको मैं शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसके साथ आ जाए। अब मैंने जो तस्वीरें वगैरह डाउनलोड की थी वो तस्वीरें तो लानी है। सबसे पहले ये जो हेडर की तस्वीर है वो लानी है, तो वो यहाँ से हमें मिल जाएगी, ये वाली हेडर की तस्वीर है। तो ये उठा के मैं यहाँ से ले आता हूँ। तस्वीरें लाने यहीं से लाते हैं कि उधर से हम माउस को जो लेफ्ट बटन है उसको हम क्लिक करके तस्वीरें उठा के दिलाया। तो इसको मैं शिफ्ट दबाता हूँ ताकि अगर मैं शिफ्ट के बाहर करूँ तो ये छोटी ज़्यादा इस तरह ये अजीब अजीब लगे, शिफ्ट के साथ करता हूँ तो ये एक साइज़ में ही छोटी हो रही है। तो ये मैंने छोटी कर दी है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ना, जहाँ तक लड़की का थोड़ा सा बाजू नज़र आ रहा है, इतनी कर लेता हूँ, इतनी ठीक है। इसके बाद ये जो आदमी है इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये हो गया। तो इसको मैं बिल्कुल यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ। अब मैंने देखनी है कि ये कहाँ तक है, जहाँ तक इसका ये बाजू है आधे बाजू तक है, यहाँ तक है। फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ क्रॉप, यहाँ तक लगा हुआ इसका,
ये हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है डार्क कर देता हूँ यहाँ से, ये थोड़ा सा डार्क हो गया, बाकी को मैं कुछ भी नहीं करता। ये देखो ये नीचे वाला थोड़ा सा एक साइड से डार्क है और दरमियान से जो है वो थोड़ा सा लाइट हो रहा है, तो ये मैं इधर से कर देता हूँ। चलो ये ठीक हो जाएगा आगे। तो ये हमारी तस्वीर इंसर्ट हो गई, तो अब मैंने प्लगइंग में जाना है, इधर ही मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये प्लगइंग आ रहे हैं, आइकन में जाते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ मेन्यू। तो सबसे पहले मेन्यू का ऊपर आइकन लगा हुआ है, ये मेन्यू का आ गया, ये बहुत सारे आ गए। यहाँ से मैंने कोई ये वाला उठा लेता हूँ, ये उठा के इम्पोर्ट करता हूँ, तो ये इंपोर्ट हो गया है। अब ये इधर कहीं पे नज़र आएगा, ये हमारा आ गया आइकन, तो इसको मैं शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेता हूँ और जहाँ पे ये लगा हुआ है इसको थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाना है, ये यहाँ तक लेके जाना। अब ठीक है, ये आइकन है, इसको मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ वाइट, ये वाइट आ गया। अब मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख लेता हूँ, इसको मैं फ्रंट पे ले आता हूँ, फ्रंट पे आ गया। मैंने बिल्कुल जो है वो सेम ऐसी ही बनानी है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा फर्क हो जाए तो कोई भी नहीं होता। यहाँ से इसकी विथ हाइट वगैरह हम कर लेते हैं। अब ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक खत्म होती है। तो इस क्लास में हमने सिर्फ बैकग्राउंड इमेज वगैरह लिखा सीखा है, मैं इसलिए इतनी लंबी क्लास नहीं बना रहा कि ताकि आप देख देख के बोर ना हो जाएं, तो इसे छोटी छोटी क्लासें हैं ताकि आप भी इंजॉय करें साथ। तो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये पूरी वेबसाइट बना देंगे कुछ ही दिनों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग।